है बॉडी का और उसको किसमें रख रखा है, दैट इज इन एक्सटर्नल फील्ड। सो इक्विलिब्रियम के लिए अगेन हमारा बॉडी जो होता था उसमें जो सारे इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते थे हर एक बॉडी का, दे आर एट रेस्ट और दे आर एट इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये कंडीशन थी हमारी इक्विलिब्रिया की। तो इस सिस्टम को जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, दैट इज मे बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा जाए और इन एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड, तो क्या होगा, इस इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो लेट अस कंसीडर, आई हैव अ टू बॉडी सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज T1, T2, वॉल्यूम आर V1, V2 और एंट्रोपीज S1, S2। ओके, अभी ये कंडीशन जो ले रखी है मैंने, एक जनरल जैसी कंडीशन ले रखी है, यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा अभी कि दैट दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, नो। ओके, अभी जस्ट एक टू बॉडीज है हमारे पास और जिनका वॉल्यूम, एंट्रोपी और टेम्परेचर इस तरह से हैं, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज N1, जो आर्टिकल हमने कल किया था, दैट इज N2 नंबर जो है, दैट टोटल नंबर विल बी कंजर्व, दैट इज N1 प्लस N2 विल बी कॉन्स्टेंट, कंजर्व क्वांटिटी होगा ये। एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडीज आर T1 एंड T2 ऑफ टू बॉडीज, इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम दैट ऑफकोर्स T1 विल बी इक्वल टू T2, एंड टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बिकॉज एंट्रोपी इज एडिटिव क्वांटिटी, S1 प्लस S2। सिमिलरली वॉल्यूम इज एडिटिव क्वांटिटी, दैट इज V1 प्लस V2। नाउ टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर जो है सिस्टम में, हम चाहे जितने भी पार्ट्स कंसीडर कर लें, लेकिन हर एक पार्ट्स का जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट। ओके, और प्रेशर की भी बात करी थी कल हमने कि प्रेशर भी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे आप इस पार्ट की बात करो, इसकी इसकी हर एक पार्ट का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर जो क्या है, सेम है, ऐसे नहीं कि डिफरेंट है। तो थ्रू आउट सिस्टम में टेम्परेचर जो होगा थ्रू आउट, वो क्या होगा, टी होगा। सो वी कैन से दैट इफ T1 इज इक्वल टू T2 देन इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ये कंडीशन हमने कंसीडर कर ली, एक नेसेसरी कंडीशन दैट द मैक्सिमा फॉर अ नंबर दैट इज S/dN1 शुड बी मैक्सिमम इफ एंड ओनली इफ दिस नंबर विल बी जीरो। दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम वन, इफ इट्स डिफरेंशियल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन इज जीरो, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, कंडीशन फॉर मैक्सिमा। Now, because entropy are the additive quantity S1 plus S2, total entropy, and N is conserved. So, यहां से अगर मैं इसका जो है डेरिवेटिव दोनों एंट्रोपीज के लिए ले लूं, देन इट विल बिकम दैट इज dSn1 इज इक्वल टू S1n1 प्लस S2 एंड N1। ओके, अब N1 है क्योंकि, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे 2 जो है उसको जो है बोथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, ये क्वांटिटी जो है यहाँ पे, ये क्वांटिटी N2 जो हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया है, बाकी जो है सेम एज इट इज रख दिया। सो क्वांटिटी आपका जो है दैट इज N1 प्लस N2 इज कांस्टेंट, तो अगर हम इसको N1 को विद रिस्पेक्ट N1 यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करें तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, दैट इज 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dN2 ओवर dN1।
तो अगर मैं इस इक्वेशन को ए को यहाँ पे पुट कर लूँ, देन इट विल बी डी एस एन वन इक्वल्स टू एस वन एन वन माइनस ऑफ डी एस टू एन टू, विच इज फर्दर इज इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा. ओके, मैक्सिमा की कंडीशन में ये जीरो है, सो विच इम्प्लाइज एस वन एन वन इज इक्वल टू एस टू एंड एन टू. इक्वेशन टू. नाउ एक एक्सप्रेशन जो था प्रीवियस आर्टिकल में हमने कर रखा था, दैट इज डी इज इक्वल टू टी डी एस प्लस म्यू डी एन. वैसे तो क्या था, टी डी एस माइनस पी डी वी था. और यहाँ वॉल्यूम और जो प्रेशर आपका क्वांटिटी है दैट इज टेकन एज अ कांस्टेंट, सो इस टर्म को हमने नेगलेक्ट किया है यहाँ. और नंबर के साथ जो है आपका केमिकल पोटेंशियल के साथ जो है रिलेशन यहाँ पे लिख रखा है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डीएस का जो वैल्यू है वो यहाँ निकाल लेंगे, दैट इज डिवाइड टी माइनस म्यू ओवर एन, और सॉरी नॉट एन ओवर टी, म्यू ओवर टी इंटू डी एन इज इक्वल्स टू डी एस. ओके, सो इस डी एस का वैल्यू जो है हमारे पास ये निकल गया है. नाउ डी एस, ये जो आपका वी इक्वेशन है दैट इज वी. अब इस वी इक्वेशन को यहाँ एस जो है आपका, इस एस को क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद एन. ओके, सो इट विल गिव यू दैट डी एस ओवर डी एन एट कांस्टेंट एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, एनर्जी का भी है डेरिवेटिव, तो एनर्जी को क्या करना है, हमने कांस्टेंट रख लेना. सो विद रिस्पेक्ट एनर्जी जब कांस्टेंट रखा इसको और एन के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, सो ये मुझे क्या देगा, माइनस ऑफ म्यू ओवर टी, फाइन, माइनस ऑफ म्यू ओवर टी. सो सिमिलरली ये जनरल जैसा एक्सप्रेशन है एंट्रोपी का विद नंबर एन, तो सिस्टम वन के लिए बिकॉज हमने टू सिस्टम कंसीडर कर रखे हैं हैविंग एंट्रोपी वन एंड टू, तो इसके लिए हम अलग अलग लिख लेते हैं, दैट इज एन वन ई इज माइनस ऑफ म्यू वन टी वन, और सेकंड के लिए एन टू दैट इज माइनस ऑफ म्यू टू टी टू. सो आपका जो एक्सप्रेशन था नंबर टू, नंबर टू यहाँ पे हम जो है इक्वेशन सी को पुट कर लेंगे. ओके, और क्या था नंबर, ये आपका डी एस वन एन वन इज इक्वल टू डी एस टू एन टू, ये था आपका इक्वेशन टू. सो देयर फोर वी सी दैट इज दिस इक्वेशन इज म्यू वन टी वन एंड दिस इज म्यू टू. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास रिजल्ट निकल के आ रहा है, दैट इफ टू सिस्टम्स हैविंग देयर एंट्रोपी एस वन एंड एस टू विद वॉल्यूम वी वन एंड वी टू एट टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, देन इट्स एक्सप्रेशन विद द केमिकल पोटेंशियल इज लाइक दिस. अब हमने कंसीडर करना है कि टेम्परेचर जो है बॉडीज दे आर एट सेम, दे आर एट सेम टेम्परेचर, इसका जितना है उसका ही, इतना भी उतना ही है उसका ही, ठीक है. तो सेम टेम्परेचर होने के बाद क्या होगा, यहाँ ये एक्सप्रेशन जो है दैट इज म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू आएगा. दैट मीन्स इफ टेम्परेचर इज सेम, दैट इज इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, देन केमिकल पोटेंशियल ऑल्सो कॉन्स्टेंट. ओके, और
अगर टेम्परेचर और केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर से विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर योर केमिकल पोटेंशियल बिकम कांस्टेंट, देन ऑफ कोर्स जो प्रेशर की क्वांटिटी आएगी दैट विल आल्सो कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो हम यहाँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर सेम होने से हमारा जो केमिकल पोटेंशियल है टू बॉडीज का दैट इज आल्सो सेम, दैट इज आल्सो कांस्टेंट। नाउ बिकॉज आर्टिकल है हमारा दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन एन एक्सटर्नल फील्ड, सो क्या होगा अगर ये जो सिस्टम है जिसका एंट्रोपी और टेम्परेचर प्रेशर जो कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम पे है जो बॉडी उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए। तो एक्सटर्नल फील्ड हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड, और ग्रेविटेशनल फील्ड में जो आपका केमिकल पोटेंशियल है उसको किस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मैं किसी पॉइंट पे कंसीडर करूं तो उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, और उसकी जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है दैट इज यू, ये एनर्जी है। ओके, ग्रेविटेशनल एनर्जी दैट इज यू, और किसी पॉइंट पे कंसीडर किया दैट इज एट एक्स वाई एंड जेड पे है कोऑर्डिनेट्स। सो इस केमिकल पोटेंशियल विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल एट इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड विथ एनर्जी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। यू कैन से ये म्यू नॉट इज द केमिकल पोटेंशियल इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, और यू एक्स वाई जेड जो है ये क्या है आपकी फील्ड है। सो केमिकल पोटेंशियल इन एब्सेंस ऑफ फील्ड, अगर फील्ड नहीं है मान लीजिए फील्ड नहीं है तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, जस्ट यही आएगा आपका म्यू इज इक्वल टू मी नॉट। ओके, अगर फील्ड है तो फील्ड की प्रेजेंस में जो एनर्जी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो ये एक्सप्रेशन मुझे क्या दे रहा है दैट इज केमिकल पोटेंशियल इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द फील्ड कॉमा जेड इज कॉन्स्टेंट। जो कंडीशन है ये कंडीशन है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो कि आपकी इक्विलिब्रियम पे पड़ी है, सिस्टम जो है जिसका केमिकल पोटेंशियल जो है इक्विलिब्रियम पे है। नाउ इफ द फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस बिकॉज यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड जो है अगर मैं एक डायरेक्शन में ले लूं फील्ड दैट इज यू इज इक्वल्स टू एम जी जेड अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ओके, देन विल रिस्पेक्ट जेड और प्रीवियस एक्सप्रेशन दिस वैल्यू, लेट अस कंसीडर दिस फाइव। If 5 is if equation 5 is differentiating y d over dz and taking temperature constant then what will give it? That value will be dy dz mu naught pt u of xyz is a zero. That means d of mu naught t
at constant temperature, if I consider this quantity T is a temperature is constant, because pressure constant नहीं है, temperature को constant रखा हुआ, then because U is along Z direction only, then this value is M G Z D over T Z, which is equals to minus of M G, because here is negative sign also, minus M G D Z. Now, because I am considering V's velocity, and this velocity term is mu naught dP at T temperature, then mass per unit volume is nothing but density. So here dP is mass per unit volume G dZ, and dP is minus of rho G dZ, and pressure by integrating this quantity, that is pressure is equals to minus of rho G Z with constant quantity. So this is a pressure